हेलो बच्चों, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 24 टेंथ क्लास की जो डीओई की तरफ से आई है, जिसकी डेट है हमारे पास 28 अगस्त, ठीक है, ये करवाऊंगी। देखो, इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर कुछ फिगर्स गिवन है और आपसे बोल रहा है यहाँ पर नेम द शेप विच दे आर ऑलवेज सिमिलर क्वेश्चन मार्क वाई। देखो, आपको यहाँ से सिंपल शेप्स के नाम लिखने हैं, सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है। कह रहा है ये हमेशा सिमिलर क्यों होते हैं, तो सिमिलर ऐसे ही नहीं होते, सिमिलर कुछ क्राइटेरिया से होते हैं। तो पहले मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में वो क्राइटेरिया बता देती हूँ, उसके बाद जो हमारे ये क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, ट्राई योर सेल्फ, हम इनको करेंगे। तो देखो, आपके पास जैसे यहाँ पर क्राइटेरिया वन है, वो है आपके पास एंगल एंगल एंगल। ये क्राइटेरिया आपको क्या कहता है, आपको ये क्राइटेरिया ये कहता है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ लिखा है ये सब कुछ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसका मतलब हमारी ए बी अपॉन में जो है वो डी ई होगी। ये दो ट्राइंगल्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ए बी, यहाँ मैं फटाफट से ट्राइंगल्स ड्रॉ कर देती हूँ, ए बी और सी, और उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास डी ई और एफ। इसका मतलब मेरा ए बी जो ये है अपॉन में डी ई होगा, उसी तरीके से मेरा ए सी अपॉन में डी एफ होगा और बी सी अपॉन में ई एफ होगा। ये होगा कब मेरे पास, जब मेरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, सिमिलरली बी इज इक्वल टू ई होगा और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा, जब मेरे ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो जो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो सेम रेशियो में होती है। तो ये मेरा क्राइटेरिया वन है किसी भी ट्राइंगल में सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। ये आपके पास थ्योरम है एनसीईआरटी में 6.3, आप वहां से इसे बहुत डीपली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट में एक बार बता दिए, ताकि हम इसके क्वेश्चंस करें तो आपको समझ आ जाए। उसी तरीके से अगर मैं अपना क्राइटेरिया टू देखूँ, तो क्राइटेरिया टू होता है मेरा एस एस एस, इट मीन्स साइड साइड साइड। तो सेम यही ट्राइंगल्स मेरे पास यहाँ बने हैं, ये रे ए बी सी और डी ई एफ। अब ये क्राइटेरिया मुझको क्या बोलता है, वो ये बोलता है इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रपोर्शन टू साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। मतलब अब ये उल्टा है, अगर आपके पास ए बी अपॉन में डी ई है, पहले से ही ये डी है मेरा, डी ई है, और ए सी अपॉन में डी एफ है और बी सी अपॉन में ई एफ है, तो मेरा क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा। तो अगर मेरे पास दो ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड से, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल में है, ठीक है ना, तो होता क्या है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी मेरे इक्वल होते हैं। तो सेम क्राइटेरिया है, बस यहाँ पर मुझे एंगल्स इक्वल दे रखे थे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। यहाँ पर मुझको वो कह रहा है अगर मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हुई तो मेरे एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये मेरा इसका ये सेकेंड क्राइटेरिया है। लास्ट क्राइटेरिया भी मुझे दे रखा है, क्राइटेरिया थ्री, जिसमें मेरे पास है साइड एंगल साइड एस ए एस, ये रहा मेरा वो क्राइटेरिया। ये भी आपकी थ्योरम है 6.5 एनसीईआरटी में, सेम वही दो ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपसे वो क्या कह रहा है, क्राइटेरिया क्या है आपके पास, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उसको रीड कर देती हूँ एक बार। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी एक एंगल इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल एंगल ए जो एंगल डी के इक्वल है, तो इसका मतलब इनकी जो साइड्स है, कौन कौन सी साइड्स की मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ इनकी, तो ए बी और एक और साइड है इसकी, ये वाला जो एंगल है इस पे बना, एक तो ए बी पे बना हुआ है और एक ए सी पे बना हुआ है, ए सी, तो ए बी अपॉन में डी ई होगा और ए सी अपॉन में डी एफ होगा। इसका मतलब अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दूसरे एंगल के इक्वल है, तो जो उसकी प्रोपोर्शनल साइड्स होती हैं, ठीक है, उन एंगल्स में इंक्लूड होनी चाहिए। मतलब जैसे आपके पास ये एंगल है, ये जो एंगल है इसकी ये साइड, एक ये और एक ये, ठीक है ना, तो ये क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स जो है मेरे कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो ये ट्राइंगल्स मेरे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड एंगल साइड से होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बहुत शॉर्ट में तीनों थ्योरम्स बता दिए हैं, डीपली आपको एनसीईआरटी में पूरी थ्योरम्स दे रखे हैं 6.3, 4 एंड 5, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, फिल द टेबल एज शोन। ये टेबल मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर करा दूँ, तो टेबल मैंने थोड़ा अच्छे से बना दी है ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो
चलिए देखते हैं। देखो ये रही आपके पास वो टेबल, सेम टेबल है जो आपको वर्कशीट में है। सिमिलर ट्राइंगल्स मुझे यहाँ गिवन है, तीन पार्ट्स हैं। सिमिलर मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट है। मुझे लिखना क्या है, एक तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं और रेशियो लिखनी है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की, वही क्राइटेरिया वाला है। तो आप ध्यान से देखो, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, फर्स्ट मुझे गिवन है। एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। तो फिर आप ये भी लिख सकते हो, एंगल पी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। एंगल क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। और एंगल आर जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। तो चलो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से मैं इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकती हूँ, अब आप ये खुद भी लिख सकते हो। चलो आप मेरे साथ साथ बोलो तो आपको पता चल जाएगा। डी जो है वो पी के इक्वल, फर्स्ट है तो फर्स्ट वाला ही लेंगे, आप इन्हें प्लीज आगे पीछे मत करना गलत हो जाएगा। ई है तो उसके साथ मैंने आर ले लिया, देन एफ के साथ मैंने क्या ले लिया, एंगल क्यू ले लिया। चलो मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हो गए। अब हम आते हैं रेशो के। साइड्स लिखना भी बहुत आसान है, आपको ये देख के लग रहा होगा कैसे लिखा है, देखो कैसे लिखा है। देखो ए बी स्टार्टिंग की दो लिए तो उसके अपॉन में डी ई, ये रहा। देन ए सी फर्स्ट और थर्ड वाला लिया है ए सी, तो ये भी डी एफ लोगे। फिर सेकेंड और थर्ड लिया है बी सी, तो ई और एफ लोगे, ठीक है, वही चीज इन्होंने ली है। अब हम अपना करें तो पहले मैंने लिया पी क्यू, तो पी क्यू के साथ क्या लूंगी, ए बी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही लेनी है, ठीक है। उसके बाद पी आर, फर्स्ट और थर्ड वाला मैंने ये लिया है तो ए सी। उसके बाद क्यू आर, तो उसके साथ क्या आएगा मेरा, बी सी, ठीक है ना। उसी तरीके इसको करते हैं डी ई, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी आर। डी एफ, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है मेरे पास पी क्यू। एंड ई एफ, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है मेरे पास आर क्यू, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी टेबल थी जो हमें फिल करनी थी और हमने इसको फिल कर दिया। चलो अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ट्राई योर सेल्फ पे, जिसमें मुझे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ये रहा मेरा ट्राई योर सेल्फ, येलो बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। दो क्वेश्चन हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम वर्कशीट का क्वेश्चन है। चलो रीड करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी इफ, इन ये यहाँ सॉरी इफ है, कह रहा है अगर मेरा ए ओ बी सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, जरूरी इन तीनों में से कोई क्राइटेरिया लग रहा होगा तभी सिमिलरिटी है इनके अंदर, ठीक है ना। वेयर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सॉरी ओ ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल 40 मुझे गिवन है। एंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये मुझे गिवन है 50 डिग्री, जो जो गिवन है ना मैं सिर्फ वही लिख रही हूँ। एंड एंगल ओ बी ए, ओ बी ए ये मुझे गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। फाइंड क्या क्या करना है, इस ट्राइंगल के तो मुझे सारे एंगल गिवन है। ओ डी सी, ओ डी सी ये वाला एंगल फाइंड करना है। डी ओ सी, डी ओ सी तो ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, जो बीच में होता है वही फाइंड करना होता है। ओ सी डी, ओ सी डी मतलब ये, मतलब इस ट्राइंगल के तीनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे को गिवन लिखना होता है हमेशा क्वेश्चन में कि क्या मुझे गिवन है, तो मुझे जो तीनों एंगल गिवन है मैं वो लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहां से हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं, हटा देते हैं ये गिवन था। देखो आपको सबसे पहले दिख रहा है कि जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब मेरी ए बी पैरेलल टू सी डी होगी, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी सारी साइड सेम होगी और सारे एंगल सेम होंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और जब मेरी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो मेरी ए डी क्या है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है ना। इसका मतलब जो ये एंगल ए है ये मेरा एंगल डी के इक्वल होगा, और क्यों होगा, ये मेरा ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन में मैंने यहां लिख दिया कि ये मेरा ऑल्टरनेट एंगल है। क्यों है ऑल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल है, और ये लाइंस मेरी इसलिए पैरेलल है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है। तो लो मेरा एंगल डी यहां से आ गया 40 डिग्री। फिर उस तरीके से तो मेरा एंगल बी और सी भी मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हुए, तो इसका मतलब मेरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, रीजन में सेम यही लिखूंगी ऑल्टरनेट एंगल्स।
ठीक है ना। तो देखो मेरा एंगल सी भी आ गया 90 डिग्री। अब सिर्फ एक ये वाला एंगल बचा मेरे पास, ये कौन सा, डी ओ सी। तो आप देखो ये दोनों जो लाइन है मेरी, कौन सी लाइन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ए डी एंड बी सी, ये मेरी कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इसका मतलब ये तो मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल्स की बात कर रही हूँ मैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी। और रीजन में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो उस पर चार वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, तो ये मेरे हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो लो मेरा डी ओ सी भी आ गया यहाँ पर 50 डिग्री। आपको यही तीनों एंगल निकालने थे। और आप ध्यान से देखो, ये आपका 50 आया है, ठीक है, ये आपका 90 आया है, ये आपका 40 आया है। आपके दोनों ट्राइंगल क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे एंगल सेम होंगे। तो देखो आपके सेम ही निकले हैं सारे एंगल, इसका मतलब हमारे ये क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, चलिए ट्राई योर सेल्फ को हम अपना आज की ये वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको दो ट्राइंगल्स दिए। ये फिगर आपको दी नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन ये रहा ये दिया है, ये फिगर मैंने खुद से बनाई है। तो मैंने यहाँ पर खुद से ही दो ट्राइंगल्स पहले बना लिए थे, डी ई एफ बनाया था और एक मैंने यहाँ पर बनाया है पी क्यू आर। ठीक है, गिवन क्या क्या है आपको, यहाँ पर आपको डी ई गिवन है, डी ई 2 सेंटीमीटर, जो जो गिवन है मैं साथ साथ लिखती रहती हूँ इसको। और हमको क्या गिवन है, ई एफ गिवन है, तो ये है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। डी ई एफ ये मेरा एंगल है, एंगल मुझे गिवन है 60 डिग्री। तो कौन सा एंगल है ये, डी ई एफ, इसका मतलब ये वाला एंगल गिवन है 60 डिग्री। अब नीचे वाले ट्रायंगल पे आ जाते हैं, पी क्यू मुझे 6 गिवन है, चलो ठीक है लिख दिया, एंड क्यू आर मुझे 9 गिवन है, और एंगल पी क्यू आर गिवन है पी क्यू आर 60 डिग्री। मुझसे क्या कह रहे हैं, शो दैट दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स विद अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया, मतलब मुझे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहाँ प्रूफ क्या करना है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल डी ई एफ जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है ना। तो अब आप, अभी मैंने आपको तीन क्राइटेरिया बताए थे, उसमें से मैंने एक क्राइटेरिया आपको ये बताया था, अगर दो ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो, ठीक है ना, कौन से एंगल्स, एक ट्राइंगल का एंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर की, तो मुझको पता है कि मेरा एंगल ई जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है 60 डिग्री, और ये मुझको गिवन है, ठीक है ना। तो जब मेरे दो एंगल्स इक्वल होते हैं, एक ट्राइंगल का एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल होता है, और उनकी साइड्स, इन पे जो साइड्स बन रही है, तो देखो ई पे दो साइड्स बन रही है, एक ये और एक ये, कौन कौन सी बन रही है, एक मेरी बन रही है डी ई, ठीक है, और एक मेरी बन रही है ई एफ। अब इस ट्राइंगल की वही दो साइड्स देखो, एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो डी ई के साथ मैं पी क्यू लूंगी क्योंकि वही उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, और ई एफ के साथ मैं क्यू आर लूंगी क्योंकि वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। हमेशा आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही लोगे, इन्हें चेंज मत कर देना, ठीक है। तो अब मैं ये लिख देती हूँ, डी ई मुझको यहाँ पर गिवन है 2 सेंटीमीटर, पी क्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, ई एफ मेरे को गिवन है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर मुझे गिवन है 9। आप जब इन्हें कट करोगे तो आपका 1/3 = 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ये दो एंगल्स जो इक्वल हैं, इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स थी, ठीक है, इन एंगल्स से जो इंक्लूडिंग साइड्स थी वो प्रोपोर्शन में है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, तो ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर के। तभी तो ये कंडीशन लगी, तभी तो ये वाला क्राइटेरिया लगा, वरना तो ये थ्योरम ही क्यों लगती है। 6.5 थ्योरम ही यही बोलती है कि अगर एक एंगल एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है, और जो साइड्स उनमें इंक्लूड हो रही हैं उन एंगल्स में, जैसे ये दो साइड्स इंक्लूड है, ठीक है ना, वो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर। तो देखो इक्वल है ना ये दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। अब कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ, थर्ड वन क्राइटेरिया 6.5 थ्योरम, तो वो है मेरी साइड एंगल साइड। तो यही मुझे प्रूफ करना था, सिमिलर और उसके बाद उसके क्राइटेरिया, अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया से। तो हमने यहाँ क्राइटेरिया भी लिख दिया, ठीक है।
तो ये था मेरे पास वर्कशीट नंबर 24 के दो क्वेश्चंस ट्राई योर सेल्फ के, और एक हमने यहाँ पर टेबल फिल की। इससे जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको और वर्कशीट्स के सॉल्यूशन के चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी दे दूंगी, आप वहाँ पर मुझे वर्कशीट दे सकते हैं, तो मैं आपको उसके सॉल्यूशन अपने चैनल पे दे दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि आपको आगे की जब मैं वर्कशीट्स डालूँ तो उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को ऑन रखना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू।